हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 12 के बारे में। देखिए, प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा था पंचायती राज के बारे में और म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में, तो ये दोनों ही चीज़ें पार्ट नंबर 9 में आती हैं। उसके बाद 10 और 11 में इतना कुछ है नहीं कि हम उसको एज ए टॉपिक पढ़ सकें। एंड आज हमारा रहेगा पार्ट नंबर 12 इंडियन पॉलिटी का। तो पार्ट नंबर 12 आता कौन से आर्टिकल्स के बीच में है, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो अंडर आर्टिकल्स 264 to 300A, 264 से 300A तक आएगा आपका पार्ट 12। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों जो पढ़ने वाली रहती है वो है फाइनेंस कमीशन, जो कि आता है अंडर आर्टिकल 280। तो देखिए, पार्ट 12 में दो आर्टिकल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 280 और 281। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन आता है 280 आर्टिकल के अंडर। ये एक क्वैसी जुडिशियल बॉडी है। क्वैसी जुडिशियल का मतलब क्या होता है, जुडिशियल का मतलब क्या होता है, न्यायिक है। क्वैसी मतलब हाफ या पार्टली, तो ये पार्टली या ऑलमोस्ट ये एक जुडिशियल बॉडी है, न्यायिक बॉडी है। ठीक है, सो इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाई प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया एवरी फिफ्थ ईयर। हर पाँचवें साल या हर पाँच साल के बाद एक फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब होता है कि संविधान में तहत जो नियम है उसके हिसाब से बनाई गई बॉडी है। संविधान ने कहा है कि फाइनेंस कमीशन होना चाहिए, इसलिए हमारे देश में फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है। ठीक है, नाउ इसके मेंबर्स, अब देखिए ये क्वेश्चन आपको पकड़ना है यहाँ पर, क्योंकि हम पढ़ेंगे स्टेट, हम देखिए ये पढ़ रहे हैं फाइनेंस कमीशन पढ़ रहे हैं, हम यूपीएससी पढ़ेंगे, फिर हम जो कमीशन्स होते हैं फॉर नेशनल कमीशन फॉर एससीज, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा कमीशन हम पढ़ते हैं, तो उनके मेंबर्स का पता होना चाहिए। देखिए, चेयरमैन तो एक ही रहेगा, प्लस अदर कितने मेंबर्स होंगे, प्लस 4 अदर मेंबर्स, ये आपको याद रखना। इसके बाद हम पढ़ेंगे एलिजिबिलिटी फॉर मेंबर्स। अब जो ये मेंबर्स हैं, इनके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। सो इसको डिस्कस करने से पहले आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। आप हमेशा कहते हैं कि मेरी वीडियोज़ आपको सिक्वेंस में नहीं मिलती हैं, उसके लिए मैंने पॉलिटी के हैंड रिटन नोट्स के जितने भी वीडियोस हैं उनको सीक्वेंस में लगाकर एक प्लेलिस्ट तैयार की है, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो अगर आप मेरी सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं या उनसे हेल्प लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक कीजिए, और जितनी भी वीडियोज़ मैंने आज तक अपलोड की हैं पॉलिटी के हैंड रिटन नोट्स की, इन दी सीक्वेंस वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। मैंने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से स्टार्ट किया था और आज हम पहुँच गए हैं पार्ट नंबर 12 यानी कि फाइनेंस कमीशन पे। ठीक है, तो अब चलिए आगे चलते हैं। हम बात कर रहे थे मेंबर्स की एलिजिबिलिटी की, कौन से मेंबर्स, जो फाइनेंस कमीशन में जो 4 अदर मेंबर्स हैं इनकी एलिजिबिलिटी की हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट है क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट। इस तरह का जो पर्सन जो मेंबर बनना चाहता है वो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि हाई कोर्ट का जज बनने के लिए आपको कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, एडवोकेट का या फिर जुडिशियल कोई मेंबर का, क्योंकि देखिए हमने हाई कोर्ट में डिस्कस किया था। सेकेंड है स्पेशल नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स, फाइनेंस और अकाउंट्स की स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड है स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की यानी जो हमारी इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए। वाइडर एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करेंगे 14th फाइनेंस कमिश्नर की। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा फाइनेंस कमीशन चल कौन सा रहा है। ठीक है, 15th फाइनेंस कमीशन हमारा चल रहा है, तो जो ये इसलिए मैंने यहाँ पे सर्कल लगाया क्योंकि प्रेजेंटली 15th फाइनेंस कमिश्नर चल रहा है। अब जो ये 15वां फाइनेंस कमीशन है इसके कमिश्नर कौन है, एन के सिंह यानी कि नंद किशोर सिंह। इस तरह से भी याद रख रहे हैं, क्वेश्चंस कई बार ऐसे आ जाते हैं, नंद किशोर सिंह, नाना कुमार सिंह, ऐसे 4 ऑप्शंस आ जाएंगे, फिर हम कन्फ्यूज हो जाएंगे कि अरे हमने तो एन के सिंह पढ़ा था, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है एक बार, इसलिए मैंने यहाँ पर अपनी गलतियों के हिसाब से फिर नोट्स बनाए हैं। सो 15th फाइनेंस कमिश्नर हो गए नंद किशोर सिंह। अब आपको 14th फाइनेंस कमिश्नर भी पता होने चाहिए, वाई वी रेड्डी। क्वेश्चन कई बार क्या आता है 12, 13, 14, 15 और मैच करने हैं, फिर सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, फिर तो मतलब ही नहीं कि आपको 15th भी पता है, तब भी आप नहीं कर पाओगे। सो 15th हो गए हमारे नंद किशोर सिंह और 14th हो गए हमारे वाई वी रेड्डी। नाउ रोल्स, अब इनके रोल्स क्या हैं, क्या काम क्या है इनका। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, जो हमारा सेंटर और स्टेट है उसके बीच में टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है ये बताते हैं। सेकेंड है देयर रिकमेंडेशंस आर ओनली एडवाइजरी इन नेचर टू सेंटर एंड स्टेट्स एंड नॉट बाइंडिंग ऑन गवर्नमेंट। इनकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो बिल्कुल एडवाइजरी है नेचर में, सेंटर के लिए भी स्टेट के लिए भी, ऐसा नहीं है कि सरकार को माननी पड़ेगी इनकी बातें, बट ये एडवाइस दे सकते हैं।
ठीक है। थर्ड है कैन ऑल्सो एडवाइस प्रेजिडेंट ऑन फाइनेंशियल इशूज़, प्रेजिडेंट को भी एडवाइस कर सकते हैं फाइनेंशियल इशूज़ के बेसिस पे, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे टेन्योर स्पेसिफाइड बाय प्रेजिडेंट, कितने साल तक ये काम करेंगे वो प्रेजिडेंट स्पेसिफाई करता है। एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, फिर से अपॉइंट होने के लिए ये एलिजिबल है, ये क्वेश्चन भी आता है इसलिए मैंने हाईलाइट करके लिखा है रेड पेन से कि इनकी अपॉइंटमेंट फिर से की जा सकती है, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि यूपीएससी के मेंबर्स है, क्या वो फिर से किसी और कमीशन के मेंबर्स बन सकते हैं, रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हैं, फिर इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो यस, फाइनेंस कमीशन की हम बात कर रहे हैं अभी, तो वो एलिजिबल हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए। देन क्वालिफिकेशन, अब क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आपको मिलेंगी वाई डी फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951, जो 1951 का फाइनेंस कमीशन एक्ट है उसमें आपको मिल जाएंगे इनकी क्वालिफिकेशंस। देन आर्टिकल 281, मैंने कहा था दो ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, 280 और 281। 280 हमने पढ़ लिया फाइनेंस कमीशन है, 281 क्या है, रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन, मतलब जो फाइनेंस कमीशन है उसने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी हैं, ठीक है, रिसेंट वाले ने, क्योंकि फाइनेंस कमीशन अब आजकल 15वां चल रहा है, तो 14वां जो था, 14th जो था वाई वी रेड्डी वाले, उन्होंने क्या रिकमेंडेशंस दी हैं, वो अंडर दिस आर्टिकल आएगा। Submitted its report to the president. Submit आएगा यहाँ पे, ये लोग अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रेजिडेंट को सबमिट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आता है प्रेजिडेंट लेज इट बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट अलॉन्ग विद एन एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम एज टू द एक्शन टेकन ऑन इट्स रिकमेंडेशन। प्रेजिडेंट क्या करता है, जो रिपोर्ट सबमिट करता है फाइनेंस कमीशन प्रेजिडेंट को, वो दोनों हाउसेज के सामने रखता है, एक मेमोरेंडम भी रखता है कि कौन कौन से एक्शंस या इन जो फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशंस दी हैं उस पर कौन कौन से एक्शंस लिए जाने चाहिए, ठीक है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनविसेजेज इट एज, जो भारतीय संविधान है वो इसे क्या बोलता है, बैलेंसिंग व्हील ऑफ द फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया, भारत का जो फिस्कल फेडरलिज्म है उसका एक बैलेंसिंग व्हील है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, जैसे सोल एंड हर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्शियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इस तरह से हर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा है, बी आर अम्बेडकर, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो बस देख लेना बैलेंसिंग व्हील ऑफ द फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया, फिस्कल फेडरलिज्म जहाँ पे आ गया मतलब फाइनेंस कमीशन। अब देखिए फर्स्ट फाइनेंस कमिश्नर कौन थे, केसी नियोगी, पता होना चाहिए, क्षितिज चंद्र नियोगी, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है, प्लस 12th और 13th भी देख लीजिएगा आपके अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, 14-15 तो आपको पता होने चाहिए जो मैंने आपको यहाँ पे बताए थे, बट ये आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से है। फर्स्ट है फाइनेंस कमिश्नर केसी नियोगी, 12th है सी रंगराजन, 13th डॉक्टर विजय केलकर। यहाँ पे एक चीज़ रह गई आई थिंक आपको बताने के लिए, यस, जो हमारे 15th फाइनेंस कमिश्नर थे एन के सिंह, ये कमीशन जो 15वां फाइनेंस कमीशन ने बना कब है, 2017 में, ड्यूरेशन क्या है इसकी, 2017 में बनाया है, 20 से 25 तक ये सारा रिव्यू करेंगे और फिर जो रिपोर्ट है वो सबमिट करेंगे, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। प्लस एक चीज़ और बताना चाहूँगी, मैं अपने चैनल पे एचपी जीके के नोट्स और जनरल स्टडी के नोट्स जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड लेसन प्लान की वीडियोस भी अपलोड करती हूँ। तो अगर आप इस तरह की वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी पॉलिटी का सिलेबस कंप्लीट हो सो दैट हम कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करें। सो दैट्स इट गाइस एंड सी यू सून।